वेलकम बैक दोस्तों। नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में। दोस्तों, जॉब इंडिया को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, बगल का बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर देना पल पल की ऑफिशियली नोटिफिकेशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूँ। ESIC ट्यूटर भर्ती 2021 नर्सिंग ट्यूटर की नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं, सैलरी आपको 45,000 रुपये मिलने वाली है। सभी राज्यों के लिए भर्ती निकाली गई है। दूसरे स्टेट वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बिना एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हो, फ्रेशर वाले भी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपका इंटरव्यू होने वाला है 22 फरवरी को आपका इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होने वाली है, तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा। दोस्तों, इस वीडियो में क्वालिफिकेशन के बारे में, जॉब लोकेशन, सैलरी, कैसे आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, A to Z सारी जानकारी बिल्कुल ऑफिशियली मिलने वाली है। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को आप लोग जरूर जरूर शेयर करिए। चलिए आपको लेके चलते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। दोस्तों, यहां पे जो है आप लोग देख सकते हैं, मैंने जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन ओपन कर रखी है और यह वैकेंसी यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग की तरफ से 12/2/2021 को जारी की गई है। 12 फरवरी 2021 को ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दी गई है, तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ESIC की तरफ से जो है 12 फरवरी को ट्यूटर के लिए, जो कि 10 वैकेंसी है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसमें देखिए तो ट्यूटर की वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट तो 10, जिसमें MSc नर्सिंग वाले अप्लाई करेंगे बिना एक्सपीरियंस के। MSc नर्सिंग वाले अप्लाई करेंगे, फ्रेशर हो, MSc नर्सिंग कर रखी हो, एक्सपीरियंस नहीं है तो भी अप्लाई करोगे। MSc नर्सिंग कर रखी हो, एक्सपीरियंस है, 1 साल 2 साल 3 साल, आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे, ज़्यादा चांस सिलेक्शन के होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए BSc नर्सिंग वाले भी अप्लाई करेंगे, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अप्लाई करेंगे, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 1 साल का एक्सपीरियंस है, अच्छी बात है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, उससे भी अच्छी बात है, और फ्रेशर हो तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे MSc नर्सिंग अप्लाई करेंगे, फ्रेशर अप्लाई करेंगे, एक्सपीरियंस अप्लाई करेंगे, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अप्लाई करने के लिए, 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जा सकता है। यहाँ पे मेंशन की गई है, आप लोग इसे रीड कर सकते हैं, जिसमें वैकेंसी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के लिए 5 वैकेंसी, पेडियाट्रिक नर्सिंग के लिए 1 वैकेंसी, OBG नर्सिंग के लिए 1 वैकेंसी, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के लिए 1 वैकेंसी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए 2 वैकेंसी है। दोस्तों, ESIC कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग कॉलेज की तरफ से जो है ट्यूटर के लिए वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो टीचिंग एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छी बात है, ऑल इंडिया भर्ती है, दूसरे स्टेट वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। UR कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसी, OBC के लिए 2 वैकेंसी, SC के लिए 1 वैकेंसी, EWS में 1 वैकेंसी। इसमें जो है GNM वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बाद में आप लोग कमेंट करोगे। जो एज क्राइटेरिया है, एज जो है आपकी 35 होने वाली है, जिसमें OBC वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और ST/ST वालों को 5 वर्ष की छूट मिलने वाली है। सैलरी आपको 45,000 रुपये महीने मिलने वाली है, तो 45,000 यहाँ पे आपको दोस्तों सैलरी मिलने वाली है। देखिए नीचे देखिए तो यहाँ पे बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन जो है आप लोग करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 22 फरवरी 2021 मंडे को सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक जो है आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, इसकी जानकारी अभी मैं आपको देने वाला हूँ। तो देखिए नोट कर लो, 22 फरवरी सुबह 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक जो है आप लोग, सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आपको जो है 1.5 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाएगा। 9 से 10:30 बजे तक जो है आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद डेट एंड टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो 9 से लेकर 10:30 बजे के बीच में जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और 10:30 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है आपका इंटरव्यू होने वाला है। अगर ज़्यादा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो यहाँ पर 2 दिन हो सकता है इंटरव्यू, 3 दिन इंटरव्यू हो सकता है,
तो कम से कम 40 कैंडिडेट अगर फॉर्म को अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो सिर्फ 22 फरवरी को इंटरव्यू होने वाला है, 22 फरवरी मंडे को ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो 1 से 2 दिन 3 दिन भी यहाँ पे इंटरव्यू हो सकता है कैंडिडेट को देख के। तो 22 फरवरी 2021 मंडे को जो है आपका यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है। और यह भर्ती दोस्तों सरकारी नहीं है, 1 साल संविदा पर निकाली गई है, 1 साल संविदा के लिए यह भर्ती ESIC बेंगलोर की तरफ से निकाली गई है ऑफिशियली। और इसमें 45,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है। अब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें कहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, तो देखिए सबसे पहले बता दें कैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते दोस्तों। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसमें कर्नाटका स्टेट नर्सिंग काउंसिल बेंगलुरु, तो बेंगलुरु से जो है यह वैकेंसी है, जिसमें INC दिल्ली एंड कर्नाटका स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो दोस्तों अगर आपके पास INC है तो भी आप लोग अप्लाई करिएगा, यह वैकेंसी बेंगलोर कर्नाटका से निकाली गई है, जॉब लोकेशन आपका बेंगलोर होने वाला है, जिसमें अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्यूटर टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कराओगे कहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा इसकी जानकारी देने वाले हैं, तो 9 से लेकर 10:30 बजे के बीच में जो है आप लोगों को इस फॉर्म को फिल करके वहाँ पर जमा करना होगा। इसमें कोई आपको ईमेल नहीं करना है, कोई भी अलग से ईमेल नहीं करना है, कोई भी आपको अलग से स्पीड पोस्ट नहीं करना है। ये आपका फॉर्म दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, इस फॉर्म को अच्छे से प्रिंट आउट निकालने के बाद इसे अच्छे से फिल करना और इसको जो है आप लोगों को लेके जाना है, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे फेस टू फेस इंटरव्यू होने वाला है। जी हाँ, फेस टू फेस जो है आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। कहाँ पे होगा, तो 3rd फ्लोर बोर्ड रूम ESIC कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदिरा नगर बेंगलोर, इंदिरा नगर बेंगलोर, पिन कोड 56008। यहाँ पे जो है आपका इंटरव्यू होने वाला है ESIC कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदिरा नगर बेंगलोर, पिन कोड यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर जो है आपका इंटरव्यू होगा 10:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। उससे 1.5 घंटे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन में आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी लेके जाना है और उसका फोटोकॉपी जीरोक्स भी आपको करा लेना है। नीचे फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को भी आप लोगों को फिल करके डायरेक्ट यहाँ पे जाना है, वेन्यू आप लोग देख सकते हैं, वेन्यू इंदिरा नगर बेंगलोर, यहाँ पर जो है आपका इंटरव्यू होगा, वहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा। इसके इंटरव्यू के बाद जो है 1 से 2 घंटे बाद या लगभग 7 दिन के बाद या 15 दिन के बाद जो है आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। तो 1 हफ्ते 1 वीक या 2 वीक के अंदर जो है आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो 1 साल जो है संविदा पर यहाँ पे रखा जाएगा, अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो जो आपकी ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन यहाँ पे जो है दोस्तों बढ़ाई भी जाएगी। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन की गई है कि 1 साल संविदा पर यह भर्ती जो है निकाली गई है ESIC कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदिरा नगर बेंगलोर, पिन कोड भी यहाँ पे दिया गया है, 12 फरवरी 2021 को ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो अगर आप लोग फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 22 फरवरी 2021 मंडे को जो है डायरेक्ट आप लोगों को जाना है, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, वहीं पर आपका इंटरव्यू होगा। तो जी हाँ दोस्तों, और भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहती हो तो नीचे आप लोग जल्दी से कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई देने वाला हूँ। दोस्तों अभी आपने जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए।